गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस कथा के बिना ये व्रत पूरा नहीं होता है। और इस व्रत का महत्व क्या है, सनातन धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से अगर किसी महिला द्वारा रजस्वला टाइम यानी कि पीरियड होने के समय, जिसे महावादी कहते हैं, दौरान अगर कोई भूल हो जाती है या गलती हो जाती है, तो यह व्रत को करने से उस भूल के दोष को समाप्त किया जा सकता है। शुरू कर रहे हैं कथा आज की। बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, दो संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुलशील वर के साथ किया, लेकिन दैव योग की वजह से वो कुछ ही दिनों में विधवा हो जाती है। दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या के साथ गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बातें अपनी माँ से कहीं, तो माँ ने अपने पति से ये सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण क्या है? तो ब्राह्मण ने समाधि के द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्रह्माणी थी। इसके रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि रजस्वला स्त्री पहले चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी व्रत की कथा। रजस्वला का मतलब पीरियड से होता है। नमस्कार।